ही घंटों में सबका निखार फ्रेश से चिप चिप। क्लीन अप का निखार। चेहरा चेहरा चेहरा, क्या आकर्षक चेहरा होना चाहिए, सुंदर चेहरा होना चाहिए। क्या आकर्षक चेहरे के बिना समाज में कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो व्यक्ति सांवले होते हैं, काले होते हैं, वो समाज में उपेक्षा का शिकार होते हैं। बहुत सारी शादियां तो केवल काले रंग के कारण या सांवले रंग के कारण टूट जाती है। इस फिल्मी सीन को गौर से देखिए। कौन हो तुम, कौन हो तुम, रूपा नहीं हो, तुम रूपा नहीं हो। इस फिल्मी सीन में केवल हीरो हीरोइन के चेहरे को देखकर मुख नहीं मोड़ रहा, अभी तो पूरा समाज उसको दुत्कार देता है, उसे घृणा करने लगता है, उसे दूरी बना लेता है, जिसका चेहरा जला हुआ हो या असामान्य हो। ऐसा व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है और कभी कभार वो सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारी हस्तियां ऐसी हुई है जिन्होंने चेहरे को एक तरफ कर, चेहरे को ना कर, अपने आप को इतना बुलंद किया है कि जहां पर खुदा ने उनसे खुद पूछा है कि बता तेरी मर्जी क्या है। और ऐसी एक नहीं, अनेक हस्तियां हैं, चाहे वो हेलन केलर हो या हुसैन बोल्ट साहब। और ऐसा ही एक नाम है लक्ष्मी अग्रवाल, वो लक्ष्मी अग्रवाल जिसका चेहरा तेजाब से चला दिया गया। बावजूद उसके उसने एक संकल्प लिया कि जिस प्रकार की शारीरिक और मानसिक यात्रा से मैं गुजरी हूं, उससे मैं अपनी बहनों को नहीं गुजरने दूंगी। जिस प्रकार से समाज ने मुझे दुत्कारा है, मुझसे दूरी बनाई है, वो मैं अपनी बहनों के साथ नहीं होने दूंगी। तेजाब के इन हमलों को बंद करवा के ही दम लूंगी, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। वो तभी संभव था जब तेजाब जो खुली बिक्री है उसको बंद करवा दिया जाता, जो बड़ी आसानी से उपलब्ध था, यहां तक कि पंसारी की दुकान। एक मुहिम चलाई गई, एक आंदोलन चलाया गया और हजारों लोग चेहरे को एक तरफ कर उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि वो दूसरों के लिए लड़ रहे थे। सरकार पर इसका दबाव नहीं बना, लेकिन वो भी संघर्ष करती रही। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली गई तेजाब की इस खुली बिक्री को बंद करवा के। वहां पर भी चेहरे को दरकिनारे कर हजारों लोग उसके साथ। इस बीच उसके पिताजी इस दुनिया से चले गए, घर की पूरी जिम्मेवारी उसके कंधों पर आई। अपना चेहरा जला हुआ होने के बावजूद दूसरों का चेहरा सवार कर उस जिम्मेवारी को पूरी जिम्मेवारी से निभाया। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तेजाब की बिक्री खुलेआम नहीं हो सकती, इसके लिए लाइसेंस चाहिए। और वो लक्ष्मी अग्रवाल जो कल तक गुमनामी के अंधेरे में कैद थी, आज अखबारों की टीवी चैनल्स की सुर्खियां बन चुकी थी, एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। उसने मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं। किस प्रकार से लोगों ने उसको अपनी पलकों पर बिठाया था, किस प्रकार से समाज में उसको सम्मान मिला था, स्थान मिला था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज उन पर एक छपाक नाम की मूवी आ रही है, बायोपिक आने वाली। ये कहानियां कहीं ना कहीं हमें बताती हैं, जताती हैं कि चेहरे का कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य होता है आपकी आंतरिक सुंदरता का, मूल्य होता है कुछ कर जाने के जनून का, मूल्य होता है दूसरों के लिए कुछ कर देने के संकल्प का। और एक बार ये भावना हमारे अंदर आ गई तो किसी भी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके संकल्पों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके संकल्पों में जान होती है। चेहरे से कुछ नहीं होता, अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत।